प्रदेश में पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जगह जगह ध्वजारोहण के आयोजन किए गए। उज्जैन, सेंधवा, सोनकच्छ आदि सभी स्थानों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ झंडा वंदन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंगलवार को मुख्य समारोह उज्जैन के दशहरा मैदान पर आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में देशभक्ति के नारों के बीच सुबह 9 बजे ध्वजारोहण उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने किया। ध्वजारोहण करने के पश्चात यादव ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन एवं मध्यप्रदेश गान हुआ। मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। मंत्री यादव ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति की जय के नारे हर्ष फायर मार्च पास्ट हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश प्रेम से ओतप्रोत छात्र छात्राएं और आम लोग दशहरा मैदान पहुंचे थे। 10 बजे बाद मुख्य समारोह स्थल पर छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। स्वर्गीय राजाबाई महाकाल स्टेडियम में आज एक चरण का निर्माण कार्य पूरा हुआ। झंडा वंदन हुआ, रंगारंग कार्यक्रम के साथ ये आयोजन हुआ। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति मंगल कामना बधाई। सेंधवा शहर सहित ग्रामीण अंचल में भी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। शहर के प्राचीन किले की प्राचीर पर स्थानीय विधायक ग्यारसी लाल रावत ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही किला परिसर स्थित SDM कार्यालय, जनपद कार्यालय, न्यायालय, मंडी कार्यालय सहित भाजपा नगर अध्यक्ष कार्यालय व विधायक कार्यालय सहित शहर की निजी व शासकीय स्कूलों, थाना और SDOP कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी सहित स्कूलों के विद्यार्थी मौजूद रहे। शहर में हर्षोल्लास से स्वतंत्रता दिवस पर्व मनाया गया। सोनकच्छ के भोरासा में भी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह नगर में प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं विद्यालयों में अपने अपने स्तर से सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हो पाए। शासन के आदेश अनुसार क्षेत्र के समस्त विभागों में विभाग प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसी प्रकार सोनकच्छ में नगर परिषद कार्यालय पर श्रुति बघेल ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। वहीं अनाज मंडी प्रांगण में सूरज सिंह ठाकुर एवं जनपद पंचायत में चरत शिवहरे द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर नगर में शासकीय अशासकीय कार्यालय पर मिठाई वितरित की गई। स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शीतोत्तरवे स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी को ग्रामवासियों, नगरवासी तथा देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और स्वच्छता अभियान को लेकर भी जो चला रही है, शासन चला रहा है, उस मामले का नगर में स्वच्छता के लिए सभी से करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि नगर को स्वच्छ रखें, जिससे कोई बीमारी बीमारी नहीं हो। और जो प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चला रहे उसके तहत सभी काम सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नगरवासियों से ये अपील करूंगी कि स्वच्छता बनाए रखें, घर समय पे जमा करें, नल व्यर्थ ना बहने दें। सभी भोरासा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे देश के वीर जवानों को शत-शत नमन, जिनकी वजह से हमें यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने का मौका मिला। हम सभी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनके त्यौहार सभी उत्साह और लाभ से। आज विदिशा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आयोजन हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। उन्होंने ठीक 9 बजे ध्वजारोहण करने के साथ परेड की सलामी ली। परेड का निरीक्षण करने के साथ मार्च पास्ट को देखा, विभिन्न स्कूलों के सांस्कृतिक आयोजनों को देखा। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया, देश और प्रदेश की उन्नति के बारे में जानकारी दी। शासकीय कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सबने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराया और इस बात का संकल्प लिया कि सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद और हजारों हजारों क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद हमें जो आज़ादी मिली है उसको हम चिरस्थायी रखेंगे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश को नया आयाम दिया है, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नए विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से हम सब भी उस महायज्ञ में अपनी सार्थक आहुति देंगे। हम सब ने आज स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस बात का भी संकल्प लिया कि हम सब अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से ये सुनिश्चित करेंगे कि ये देश एक बार पुनः विश्व के सिरमौर के रूप में स्थापित हो।